सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने अपने नेताओं की उपस्थिति में मंच से ऐसी भर्ती गालियां दी हैं जिसका उल्लेख करना उचित नहीं समझते। माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जामिका चौधरी जी को बताना चाहिए कि कितने बाप बदले, कितनी माँ बदले और कितनी अपनी बहन बदल करके राजनीति माँ है, निश्चित रूप से प्रेस माध्यम से बताना चाहिए। और आज उन लोगों ने उसमें समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने गुंडों को भेज करके और ऐसा करने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी, जिला पंचायत चुनाव के दौरान पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने अपने नेताओं की उपस्थिति में मंच से ऐसी भद्दी गालियां दी हैं जिसका उल्लेख करना उचित नहीं समझता, वो अशालीन बात है। और विपक्ष के किसी नेता ने किसी को गाली नहीं दी है, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि किसी नेता ने कोई गाली दी है। ये सच है कि कुछ लोगों ने सड़क पर उपद्रवियों ने किया है, और उसमें समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने गुंडों को भेज करके और ऐसा करने का प्रयास किया है, इसलिए कि वो आपको बदनाम कर सकें और इसी आधार पर फर्जी मुकदमे कायम किए जा सकें। इसलिए उनकी साजिश है, उसमें कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी का जो किसी को गाली देता हो, या हमारे संस्कार में नहीं है। सार्वजनिक जीवन में या कहीं भी किसी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति के लिए गाली देना बहुत ही अशोभनीय है। वो व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के भी गाली दिए जाने की मैं निंदा करता हूँ और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मुझे ये कतई स्वीकार नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को गरिमा की ठेस पहुँचाए और गालियाँ दें। गाली देना IPC में भी अपराध है और समाज की मान्यताओं में भी अपराध है। ऐसे अपराधी को जो भी दंड हो उसको कठोर दंड मिलना चाहिए।